हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, बच्चों की पाठशाला वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो, मैं हूँ पायल अग्रवाल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेंसेस के बारे में काफी पार्ट सिखाए हैं। आज मैं आपके लिए एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का लेके आई हूँ, जिसमें मैं आज आपको फर्स्ट पार्ट सिखाऊंगी इसका, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। इसकी मैं आपकी पहचान बताऊंगी, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसकी एग्जाम्पल सिखाऊंगी इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे मैंने बताया था सकारात्मक वाक्य। इसकी मैं पहचान बता देती हूँ आपको। इसकी पहचान है लास्ट में होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, ये इसकी पहचान है। अगर ये लास्ट में आ रहा है लिखा हुआ तो आप समझ जाइए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसके रूल देखिए, रूल क्या है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर विल बी आएगा, शैल भी आता है, पर आजकल के जमाने में शैल भी बहुत कम हो गया है, लगाते ही नहीं है, विल बी ही लगाते हैं। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे आपको पता है लास्ट में ऑब्जेक्ट तो आता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। निखिल जा रहा होगा, रहा होगा है, मैंने बताया था आपको रहा होगा, तो इसलिए इसका ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। निखिल जा रहा होगा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट निखिल है, तो हम लिख देंगे निखिल, एन आई के एच आई एल, निखिल। निखिल के बाद हमारा रूल में देखिए विल बी है, निखिल विल बी क्या है, जा रहा होगा, जाने को क्या कहते हैं, गो, आई एन जी लगा देंगे, हमारे रूल में लिखा हुआ है आई एन जी, हमारा हो गया सेंटेंस, निखिल जा रहा होगा, निखिल विल बी गोइंग। कितना इजी मेथड से आपने बहुत जल्दी इतना अच्छा सीख लिया इसको। नेक्स्ट देखते हैं, वह आ रहा होगा, वह आ रहा होगा, वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही विल बी, आने को कहते हैं कम, आई एन जी लगा देंगे, वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग। नेक्स्ट है राहुल काम कर रहा होगा, राहुल लड़के का नाम है, एक लिख देंगे, हमारा सब्जेक्ट है ये, राहुल विल बी, राहुल काम कर रहा होगा, काम को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, वर्क, आई एन जी लगा देंगे, राहुल काम कर रहा होगा, राहुल विल बी वॉकिंग। नेक्स्ट है मोदी जी अमेरिका जा रहे होंगे, हमारा फर्स्ट लिखेंगे मिस्टर मोदी जी विल बी अमेरिका जा रहे होंगे, जाना, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, उसकी फर्स्ट फॉर्म है, जाने को कहते हैं गो, आई एन जी लगा देंगे, गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, टू अमेरिका। मिस्टर मोदी जी विल बी गोइंग टू अमेरिका। अभिषेक काम कर रहा होगा, नेम है अभिषेक,
विल बी काम कर रहा होगा, अभिषेक विल बी वर्किंग, अभिषेक काम कर रहा होगा। ये था हमारा आज का वीडियो, बहुत इजी तरह से हमने ये सारा सीख लिया, सिर्फ एक हमने इसका रूल याद कर लिया और हमने सारे सेंटेंस बना लिए। किस चीज के? हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हमने अफर्मेटिव सेंटेंस आज सीखा, बहुत ही इजी सरल मेथड से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।